Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Sukman Pritkar Randhawa, and today is 9 June 2021 and it's Wednesday and आज हमें holiday कह सकते हैं या because हमारी summer vacations आज से start हो चुकी हैं. तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है एंड मेरी कल ही पीरियोडिक एग्जाम्स जो है फिनिश हो चुके हैं. सो आई होप कि आप लोगों ने मेरे वो 3 पार्ट्स जो हैं स्टडी व्लॉग के देख चुके होंगे जो एग्ज़ाम व्लॉग थे. सो उन तीनों पार्ट्स में मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स की आप लोगों को रिविजन दिखाई है. तो सारी क्लिप्स तो नहीं दिखा पाई, जितनी मुझसे हो सकी बन मिल की जितनी मैं बना सकती थी उतनी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है. एंड आई विल ड्रॉप द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, काइंडली चेक इट आउट फ्रॉम देयर. And yeah, today is my first day of my summer vacation. So now yeah, let's see how I just spend my first day of my summer vacations. So one thing I just want to you can say tell you all that कि अभी तक हमें कोई holidays homework जो है वो नहीं आया है. ठीक है, जब भी आएगा I will share with you all. So yeah, now let's begin. So अभी मैं पी रही हूँ ठंडी लस्सी, बहुत मज़ा आ रहा है. Okay, after I just washed the utensils and उसके बाद थोड़ा सा मैंने YouTube को यूज़ किया क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए थे मैं इतने अच्छे से देख नहीं पा रही थी. सो अभी मैंने बस आधा घंटा यूज़. सो यस फ्रेंड्स, आफ्टर यूजिंग यूट्यूब फॉर हाफ एन आवर उसके बाद मेरी मॉम ने पॉपकॉर्न जो है वो बनाए थे. सो आई एम जस्ट नाउ ईटिंग दिस पॉपकॉर्न. सो दे आर वेरी डिलीशियस. सो आई एम नाउ जस्ट एन्जॉइंग माई फर्स्ट डे ऑफ माई वेकेशंस एट 2 PM. येस फ्रेंड्स, नाउ यू कैन सी कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है. सो एक्चुअली मैंने लाइट्स ऑफ कर दिया है, ठीक है, कमरे की. अब मैं सोचा थोड़ा सा पावर नैप ले लेती हूँ. अभी तक 2 बजे तक मुझे कोई भी होमवर्क जो है वो नहीं आया, लेकिन हमारे टीचर ने हमें मैसेज ड्रॉप किया कि बहुत जल्द हमें आज ही होमवर्क जो है वो आ जाएगा. सो लेट्स सी एट 4 PM. सो येस फ्रेंड्स, आई एक्चुअली वांट टू टेल यू ऑल भी टाइम टेबल आ चुका है. सो हमें हॉलीडेज हैं 10 जून से लेकर 25 जून तक. ठीक है, हमारा छोटा सा कह सकते हैं समर कैंप है हमारे स्कूल में, दैट्स एन अमेजिंग थिंग. ओके, सो मंडे को हमारी क्लासेस हैं, ट्यूसडे को, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को. ठीक है, तो मंडे एंड ट्यूसडे को होगी योगा एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 8 to 8:50. ओके, एंड वेंसडे को होगी हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास फ्रॉम 9 AM to 9:55 AM. एज वेल एज ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे मैथ्स की क्लास होगी 10 से लेकर 11 बजे तक, एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लासेज होंगी 11 से लेकर 11:55 तक. आफ्टर दैट आई जस्ट लाइक टाइम टेबल फॉर इट. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल यू कैन से. सो ये जून मंथ का टाइम टेबल है. ओके, सो 7 to 7:30 AM मैंने मतलब अपने आप को आधा घंटा दिया है उठने के लिए. एंड आधे घंटे में गेट रेडी होना है. एंड आफ्टर दैट 8 to 9 मंडे एंड ट्यूसडे को जो मेरी क्लासेज हैं योगा एंड स्ट्रेंथ की वो लगानी है क्लास. एंड जिस दिन मेरी क्लास नहीं है योगा एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, सो उस दिन मैंने एक्सरसाइजेस करनी है, पार्ट करना है एंड एज वेल एज ब्रेकफास्ट. ठीक है, तो जिस दिन मेरी क्लास होगी तो फिर मैं थोड़ा सा जल्दी उठूँगी एंड है ना, तो उसी में ब्रेकफास्ट जो है मैं फिर एडजस्ट कर लूँगी. एंड आफ्टर दैट जो 9 to 10 फिर जिस दिन मेरी क्लास है वेंसडे को, अगर जिस दिन नहीं होगी तो उस दिन मैंने स्टडी करनी है फ्रॉम बुक्स, क्योंकि अदरवाइज आई जस्ट लाइक है ना, मैं बुक्स से कम स्टडी करती हूँ, मैं यूट्यूब से ज़्यादा करती हूँ. सो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बुक्स से. एंड आफ्टर दैट 10 to 11 मेरी क्लासेज हैं, और जिस दिन मेरी क्लासेज नहीं होंगी तो उस दिन आई विल जस्ट टेक माई ब्रेड या चपातीस. नेक्स्ट इज 11 to 12 जो मेरी क्लास है इंग्लिश कम्युनिकेशन की, एंड ये 3 डेज है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. एंड मंडे, ट्यूजडे एंड वेंसडे मैंने क्या करना है इस टाइम में, फिर उस दिन भी मैंने इंग्लिश कम्युनिकेशन ही करना है, यानी कि जो हमें टीचर ने पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है एंड उसे थोड़ा सा आगे भी यानी करना है. ओके, खुद से. एंड आफ्टर दैट 12 से लेकर हमने 1 तक करना है, थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं, इट्स अ फ्री टाइम. एंड आफ्टर दिस इज 1 to 1:30 PM करना है स्टडी टाइम, यानी कि जो भी हमें क्लासेस में करवाया गया उसे दोबारा से रिवाइज कर लेना है. ओके, एंड आफ्टर दिस इज 1:30 to 2:30 हेल्प मॉम एंड जस्ट हैव अ लंच. एंड आफ्टर दिस 2:30 to 3:30 इज डू पेंडिंग वर्क. सो इसका रीज़न है कि मैंने एग्जाम्स की वजह से जो टीचर्स हमें काम करवा रहे हैं क्लासेज में वो मैंने छोड़ दिया था तब. सो इस टाइम बस मैंने वही कम्प्लीट करना है. एंड आफ्टर दैट हाफ एन आवर जस्ट टेक अ ब्रेक, एंड इसमें मैंने यूट्यूब की जो वीडियोज़ होती हैं उसको एडिट कर लेना है. एंड 4 से लेकर 6 PM तक जस्ट मेक माई नोट्स. मैंने 2 आवर्स दिए हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स के मैं चैप्टर्स मैंने पहले नोट्स बनाए थे, बाकी जो रह गए हैं ठीक है उनके मैंने यहाँ पर नोट्स बनाने हैं. 6 to 7 गो टू गुरुद्वारा साहिब एंड जस्ट हैव अ प्ले टाइम. ओके, एंड 7 to 8 आफ्टर दैट 7 PM to 8 PM इज जस्ट माई कुकिंग टाइम एज वेल एज डिनर टाइम. एंड 8 to 9 इज़ माई स्टडी टाइम, मीन्स सेल्फ स्टडी टाइम, जो भी मेरा मतलब कि जब तब
तब के टाइम मन करेगा वही मैं स्टडी करूँगी। आफ्टर दिस 9 PM टू 10 PM इज़ माई मोबाइल फ़ोन टाइम एंड माई फैमिली टाइम, ठीक है। एज एट 10 PM इट्स माई स्लीपिंग टाइम। सो बस नेक्स्ट फिर ही रूटीन जो है वो रिपीट होगी। सो मैंने अलग अलग टाइम टेबल इसीलिए नहीं बनाए कि उनको फॉलो करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैंने इसलिए ये वाला टाइम टेबल बनाया है कि थोड़ा सा ईजी रहेगा मेरे लिए इसे ना यूज़ करना और अच्छे से समझ भी लग रहा है। वो क्लासेस लगानी है एंड साइड में लिखते हैं जिस दिन क्लासेस नहीं होंगी उस दिन मैंने क्या करना है। सो आई होप कि जो टाइम टेबल आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा, इससे आप लोग भी अपना टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपकी हॉलीडेज़ ख़त्म हो चुकी हैं, फिर स्टार्ट हुई हैं या फिर आपकी चल रही हैं, ओके। एंड आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप अपना रिज़ल्ट बताएं पीरियोडिक्स का। तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी तक मेरा पीरियोडिक्स का रिज़ल्ट नहीं आया है। जब भी आएगा आई विल शेयर इट विद यू ऑल। सो या गिव इट अ थम्स अप। So as you all know that according to my timetable at 4 to 6 p.m. I just have to make my notes. So I just started with my science subject. It's biology and मैंने थोड़ा सा चैप्टर को रीड करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद मैं थोड़े से इसके नोट्स पे जो है वो बना लूँगी। सो आज मैंने सोचा इसके जो है चैप्टर को रीड कर लेती हूँ एंड टुमारो आई विल जस्ट मेक द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर।